Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT preparation from August month. So, अगर आप August से तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं या फिर आपने plan किया है MBA करने का, तो definitely आपको CAT exam तो face करना ही पड़ता है. So, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका day wise plan क्या होना चाहिए, पूरी strategy क्या होनी चाहिए, कौन सी books पढ़नी चाहिए, syllabus पूरा क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे. And to make this MBA journey an easy productive one, you will find a lot of free tests, a lot of free classes as well on the portal. Just search Learn for Exam on the Play Store or the App Store, you'll find our app. So let's start. Now, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि is it possible if I start now? कि अभी से अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या मैं CAT के एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? हार्डली अभी अगस्त है, फिर आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 4 महीने हैं और 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर या फिर 4 महीने की प्रिपरेशन के अंदर निकल सकता है एग्जाम. यस, द आंसर इज येस, और लोगों ने ऐसे किया भी है. सो ये पॉसिबल है, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. एंड वी हैव पास्ट रिजल्ट्स एज वेल, तो आप जाके देख सकते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर. ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं. ठीक है, तो पॉसिबल तो है. अब इसके लिए राइट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है. राइट स्ट्रेटजी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है. ठीक है, सिलेबस अगर आपको जानना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस आई बटन. ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड द वीडियो ओके अबाउट द होल सिलेबस की क्या क्या आता है और कैसे तैयारी करनी है. नेक्स्ट स्टेप इज बुक्स. आपको बुक्स पता होनी चाहिए कि आपके पास बुक्स जो हैं वो सही हैं या नहीं. तो आपके लिए बुक्स मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है डिटेल बुक्स के अंदर, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं. यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, सो सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई. अब बात आते हैं उसके बाद, जब आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक है, तो पढ़ाई क्या करनी है और कहाँ से करनी है और कैसे टाइम मैनेज करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में आता है 888. 888 का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा. 8 इज फॉर योर स्लीपिंग, लाइक आपको जितने घंटे भी सोना हो. ठीक है, उसमें से मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 8 घंटे सोएं. अगर उससे कम सो सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न तो है. ठीक है, इट्स नॉट अ ग्रेट टाइम टू स्लीप मोर देन 8 आवर्स. ओके, नेक्स्ट 8 आवर्स इज योर फॉर वर्क, और यू कैन से आप जो भी घर के काम करते हो या कुछ भी करते हो उसके लिए. तो अगर आपको वर्क में ज्यादा टाइम देना हो तो आई रिकमेंड कि आप कम सोएं, 6 घंटे कर दें या 7 घंटे कर दें, उतना भी इनफ होता है. उससे ज़्यादा कम मत करें वरना हेडेक होता है. ठीक है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, तो 6 घंटे से कम करने की कोशिश करोगे तो वो हेडेक होगा, तो उससे फिर फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर खराब हो जाएगी. ठीक है, सो 6 घंटे से कम मत करना, 6 से 8 के अंदर रहिए और बाकी का टाइम इधर एड ऑन कर लीजिए. अपना वर्क हो या फिर घर का कोई काम हो, जो भी आपको करना होता है वो इधर, और 8 घंटे आपके स्टडी के लिए होने चाहिए पूरे. ठीक है, आपको 8 घंटे तो स्टडी में देने, बट क्या पूरे 8 घंटे देने? नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला है 5:1. सो जब भी आप पूरा 1 घंटा पढ़ेंगे उसमें से 50 मिनट्स आप पढ़ेंगे. ठीक है, और 10 मिनट्स आपकी ब्रेक रहेगी. ओके, सो इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर देन स्टडी फॉर 50 मिनट्स, देन 10 मिनट्स ब्रेक. एंड जैसे ही वो पूरा 1 घंटा हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये 10 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिए स्टडी. ऐसा नहीं कि 10 मिनट की ब्रेक 15 मिनट हो रही है या 20 मिनट हो रही है, आधे घंटा की आप सोचा कि 2 घंटे की इकट्ठी ले लेता हूँ 20 मिनट की. डोंट डू दैट, जस्ट टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, वही सबसे अच्छी होती है. 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट्स ब्रेक लीजिए, बिकॉज ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द मीनवाइल व्हेन यू आर स्टडिंग. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद आपका कि वीक प्लान क्या होना चाहिए, डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए. सो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि डेली कुछ चीज़ें करनी है. डेली के अंदर आपका आता है डेली रीडिंग. डेली रीडिंग से मतलब है आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर दी MBA. MBA का मतलब क्या है? आप एक बिजनेस के लिए जा रहे हैं. ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग. ऑलराइट, सो MBA इज वेरी MBA के लिए डेली रीडिंग इज अ मस्ट थिंग. ओके, एंड बिजनेस लाइन हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं. 2 RCs करना है, 2 LRDs सेट करने हैं और 5 PGs. आई नो अभी शायद आपको RCs का मतलब भी पता ना हो. RC का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि वर्बल में आता है, या फिर अनसीन पैसेज. आई होप अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने बचपन में पढ़ा ही होगा. देन LRDI क्या होता है? LRDI होता है लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स, कि राम श्याम ऐसे बैठे हैं तो घनश्याम कैसे बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल. ये भी शायद आपको ना आता हो, बट इसका ईजी लेवल स्टार्ट करिए. अभी ईजी लेवल कहाँ से करना है और कैसे ट्राई करना है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन आता है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है. आप हमारे यहाँ तो चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं. ठीक है, ताकि आपको एक प्रश्न अप मिल जाए पूरे के पूरे. हमने यहाँ पे कोर्स काफ़ी हद तक सारा कवर कर दिया है. तो अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी चीज़, सेल्फ स्टडी MBA कोर्स, वो भी है यहाँ पे. जो आपको क्लासेस वहाँ पे दिख रही है वो एक लेटेड फॉर्म में, यहाँ पर आपको सारी बिल्कुल एकदम यू नो कोलेटेड फॉर्म में सारा कुछ दिखता है.
क्लास वाइज क्लास सारी यहाँ पे अपडेटेड रहती है, तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, इट्स अ ग्रेट नंबर, ठीक है। तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कमिंग बैक टू दिस कि LRDA और TOASSS ये भी हमारी वेबसाइट पे आपको देख देंगे, डेली टेस्ट आते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐप डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न फॉर एग्जाम की आप ऐप डाल लीजिए या फिर आप डेली लॉग इन कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर अगर आपके पास फोन नहीं है इन केस, ठीक है। सो ये सारे टेस्ट आप डेली ऑन अ डेली बेसिस करिए। प्लस जो वीक वाइज करना है वो है 4 से 5 क्वांट के टॉपिक खत्म करने। अब 4 से 5 क्वांट के टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने ऑलरेडी आपका टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, रेशियो पोर्शन परसेंटेजेस, ये सारा कुछ हमने कवर कर दिया अपनी क्लासेस के अंदर यूट्यूब के ऊपर लाइव, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, SICA का मतलब क्या होता है, वो एक टॉपिक है, परसेंटेजेस एक टॉपिक है, आपका रेशियो पोर्शन एक टॉपिक है, आपका जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया ये एक टॉपिक है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं एक वीक के अंदर, यू हैव टू कवर समवेयर अराउंड 3-4 to 5 टॉपिक्स, और 3 टॉपिक भी हो जाएंगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। एंड आपको स्टार्ट किससे करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द अर्थमेटिक फर्स्ट, अर्थमेटिक से स्टार्ट करिए, फिर आप एलजेब्रा पकड़िए, फिर उसके बाद आप ज्योमेट्री करिएगा, बिकॉज अर्थमेटिक और एलजेब्रा आपके कैट के एग्जाम के साथ साथ बाकी सारे एग्जाम्स भी निकलवा देगा। उसके बाद आते हैं 2 LRDA के टॉपिक्स, 2 LRDA टॉपिक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। LRDA के टॉपिक ज़्यादा नहीं है, वो आप सिलेबस वाली वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितने टॉपिक्स आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसको फॉलो करिए, बाकी हमारे तो कोर्सेज हैं वो आप देख ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। अब आते हैं मॉक्स और उसके बाद आपका एडवांस प्रैक्टिस को लेके, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी शुरू तो कर लेते हैं, बुक्स ले लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, सब कुछ रेडी हो जाएगा, बट मॉक्स कभी नहीं देते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। मॉक्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टेल यू कि जितने भी स्टूडेंट्स जनवरी से या फरवरी से उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने जुलाई से मॉक्स देना सभी ने स्टार्ट कर दिया होता है, एवरी वन इज गिविंग मॉक्स, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर यू इज कि वो जिन्होंने मॉक्स दिए उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी, क्यों, क्योंकि मॉक्स में चेंजेस आ गए हैं। अब डिक्लेयर हो चुका है कि ये 2 आवर्स एग्जाम होने वाला है, पहले 3 आवर्स के अकॉर्डिंग था, तो वो 2 आवर्स वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी अभी से तैयारी शुरू करेंगे मॉक्स देने की, आप भी अभी से करिए, ठीक है। सो मॉक्स देना जरूरी है विद इन आफ्टर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, जस्ट ट्राई टू गिव द मॉक्स आफ्टर 10 or 15 days, वंस और ट्वाइस अ वीक। अब आप कहेंगे कि सर मेरे को तो मॉक्स देने की मतलब मैं कैसे दूंगा, तो कुछ भी नहीं आता। देखिए RC तो किसी को भी नहीं आती होती, अगर RC आती होती तो फिर तो उसका मतलब ही क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो पैसे जैसा होता है जो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ पहले से ऑलमोस्ट, ठीक है, उसकी नॉलेज होती है। तो वो वर्बल का सेक्शन तो आपका पूरा आप समझिए वो तो किसी को भी नहीं आता। फिर LRDA की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करिए, आपको थोड़े थोड़े धीरे करके समझ आएगा, बिकॉज वो लॉजिक के ऊपर होती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होते, ठीक है, कोई थ्योरम्स नहीं है जो आपको याद करनी हो। तो 2 सेक्शन तो आपके ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही ठीक होते हैं, तो वो आप इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मॉक्स जरूर दें। तो 2 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन आपका क्वांट का आते हैं। यस आई एग्री, क्वांट अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो क्वांट सेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, बट उसके चक्कर में आपकी क्वांट नहीं आती तो 2 सेक्शन की प्रैक्टिस बिल्कुल खराब मत करिए, मॉक देना शुरू करिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका स्कोर अभी कहाँ पर आ रहा है और आप धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। अगर आप कभी मॉक ही नहीं देंगे और सोचेंगे मैं तो सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में नवंबर में ही देना शुरू करूंगा सारा कुछ पढ़ने के बाद, दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच। इससे मैं लिख के देता हूँ आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। यू हैव टू गिव द मॉक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, ताकि आपको पता रहे कि आप इस लेवल पे हो, नेक्स्ट मंथ इस लेवल पे आए, थर्ड मंथ इस लेवल पे आए, अब एग्जाम ऑलरेडी इस लेवल पर हो। अगर आप सोचोगे कि मैं ये सब लेवल खत्म कर देता हूँ और मैं पहले पढ़ता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। व्हेन यू डोंट नो योर लेवल देन हाउ यू विल इम्प्रूव ऑन इट, लॉजिक वाली बात, जब आपको लेवल ही नहीं पता तो इम्प्रूव किस पे कर रहे हो, यू डोंट हैव अ बेस, ओके। सो आपको बेस क्रिएट करना पड़ेगा, पहले लेवल जानना पड़ता है, लेवल जानने के लिए आपको मॉक देना होता है। सो हमेशा मॉक दीजिएगा, एंड मॉक्स कौन से लेने हैं, आप हमारे मॉक्स ले सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड है, 2 आवर्स वाला एग्जाम ही है, 15 फुल लेंथ मॉक्स है, 30 सेक्शन मिलते हैं, कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, 999, इसके अंदर लाइव एनालिसिस भी आपको सारी मॉक्स का मिलेगा, उसके लिए हमारी टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन भी करवा देगी, ठीक है। प्लस अगर आपको कैट का क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी बहुत ही चीप प्राइस पे 3499, इसके अंदर आपकी कैट की टेस्ट सीरीज भी आ जाती है, सारी लाइव क्लासेस भी आ जाती हैं, और प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आ जाती है, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं, ये सब कुछ जस्ट 3499 में मिल जाता है, आप इसमें जाके अभी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो चुका है, 15 August से जो कि इंडिपेंडेंस डे है उस दिन से हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है इसी का, तो आप इसमें एनरोल करना चाहें तो अभी एनरोल कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, आप इसके एनरोल कर सकते हैं, जस्ट वेबसाइट पे जाइएगा या फिर हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7821394 पर।
ओके नाउ कमिंग फॉरवर्ड वी हैव अदर कोर्सेज एज वेल, आप वो भी देख सकते हैं, जीमैट, जीआरई, एनमैट, स्नैप। अगर आप एनमैट की तैयारी कर रहे हैं तो 6999 का कोर्स है, वो हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ एनमैट स्नैप अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका क्रैश कोर्स है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन इंडिया, एनमैट के किंग कहे जाते हैं, ठीक है। और स्टेल्थ स्टडी कोर्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा ऐप के अंदर ही, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं। उससे भी मोर देन 1000 स्टूडेंट मैंने आपको बताया एनरोल्ड है, तो भी आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आपको ई बुक्स मिल जाती हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जीके कैप्सूल मिल जाते हैं, प्रोफाइल वैल्यूएशन कोर्स मिल जाता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ई बुक्स हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, ये सब कुछ आप वेबसाइट पर आकर जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मोर देन 4000 मेंबर्स हो चुके हैं, जहाँ पर अपना कोई भी आप डाउट डालेंगे वो सॉल्व कर देते हैं टीम मेंबर्स। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू व्हाट्सएप अस इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑन दिस नंबर 7982139467 एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर with your query, solving your query. Okay, and you can check out those of 2020, 2019, 2018, 2017. We have great results from 2017. हमने start किया था, बहुत ही अच्छे results अभी तक आ चुके हैं, and I hope ऐसे ही आगे आते रहेंगे. Okay, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे ही social media handles के नीचे नीचे link दिए हुए हैं, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है. And hit the like button, flag this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any question query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.